हाँ जी बेटे, अब नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इन यूनिट 2 एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स. ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. एनाटॉमी वर्ड का मतलब मैं पहले भी दस चुकी हूं, जदों आप किसी भी चीज नू कट के देखते हैं उहदे अंदर किवें दे सेल्स ने, उन्हां दी अरेंजमेंट किवें दी है, सब तो फर्स्ट लेयर केड़ी है, सेकंड लेयर केड़ी है, थर्ड लेयर केड़ी है, That is called as the anatomy. Study of internal structure is called as anatomy. Study of internal structure, चाहे आप प्लांट्स के केस च कर रहे हैं, चाहे आप ह्यूमन के केस च कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज के केस च कर रहे हैं, study of internal structure. For example, अपने last chapter के अंदर किया a stem है, आ मेरे को रूट है. ठीक है, प्लांट दी हुन जदो उथे आपां ने सिद्धा किया कि आ स्टेम है, इट इज वी कैन से कि नॉन ग्रीन पार्ट, एरियल पार्ट है जिदे उपर उदे लीव्स प्रेजेंट ने, उदे अंदर नोड्स है, इंटर नोड्स है, बट आपां ने स्टेम नू कट के तां नहीं ना देखिया कि स्टेम दे अंदर की है. हुन मैं स्टेम नू कटूंगी, आपां स्टेम दे अंदर देखांगे कि फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स है जिहड़े ओह किवें दे ने, सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स ने जिहड़े ओह किवें दे है, उदे अंदर जाइलम एंड फ्लोएम ने जिहड़े उहनां दी अरेंजमेंट किवें दी है, दैट स्टडी इज कॉल्ड एज द एनाटॉमी. ठीक है, एनाटॉमी मतलब जदों आपां किसी भी ऑर्गन नूं, किसी भी पार्ट नूं कट के देखांगे तां उहदे अंदर सेलुलर अरेंजमेंट्स, टिश्यूज दे अरेंजमेंट्स ने जिहड़े ओह किवें दे ने, उहनूं आपां कहिंदे आ सच स्टडी इज कॉल्ड एज द एनाटॉमी. क्लियर है बेटे? तो एनाटॉमी वर्ड तो बाद अपा इस चैप्टर दे अंदर पढ़ना की है. हुन देखो, जनरली अपा कहने आ एक ऑर्गेनिज्म है जेड़ा, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो एनिमल है, अपा कहने आ हर लिविंग दी बॉडी दे अंदर सब तो पहले सेल्स ने, फिर टिश्यू है, फिर टिश्यू तो बाद की बनता है ऑर्गन, ऑर्गन तो बाद की होंदा है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम तो बाद की होंदा है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इस केस के अंदर अपना जिहड़ा ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? प्लांट है. दिस इज ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इन दिस केस वी हैव इज द प्लांट. क्लियर है? सेल अपन 9th 10th मेनी क्लासेस के अंदर प्लांट सेल की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं. सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इवन आप प्लस वन च भी पढ़ चुके हैं ना सेल की स्ट्रक्चर, तो वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, एदे अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियास प्रेजेंट ने, व्हाटसोएवर सेल की स्टडी आप कर चुके हैं ना. उस तो बाद सेल्स मिलके टिश्यू फॉर्म करते हैं. इस चैप्टर के अंदर आप टिश्यूज पढ़ांगे. पिछले चैप्टर के अंदर आप प्लांट के ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं, रूट पढ़िया, शूट पढ़िया, लीफ पढ़िया, फ्लावर पढ़िया, फ्रूट पढ़िया एंड सीड पढ़िया, ऑल द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द प्लांट वी हैड रेड देन. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम की है. इस केस के अंदर आप दो सिस्टम्स पढ़ांगे प्लांट दे, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ांगे. इस आप हम पढ़ना की है, आप टिश्यूज पढ़ने हैं, अपा ने रूट ते शूट ते लीफ दी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़नी है, अपा दी एक्सटर्नल पढ़ चुके हैं, एंड अपा ने सिस्टम दे अंदर रूट एंड शूट सिस्टम्स ने जेड़े एहे करने हैं. क्लियर है? देन अपना प्लांट है जेड़ा वो कंप्लीट हो जाऊगा. ठीक है, ता अपा इस चैप्टर दे अंदर फर्स्टली, क्योंकि सेल अपा नु पता है प्लांट सेल किवें दा हुंदा है, प्लांट सेल दे अंदर की हुंदा है, दैट वी ऑल नो. हुन आपां कित्थों दी स्टार्ट करांगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टिश्यू पार्ट. टिश्यू की अंदर तुसी क्लास 9th दे अंदर टिश्यूज पढ़ भी चुके हो, आई थिंक तुसी पढ़िया होया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे अंदर तुसी पढ़ के आए सी एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू एंड इंटरकैलरी टिश्यू. फिर परमानेंट टिश्यू दे अंदर तुसी पढ़ के आए हो जाइलम एंड फ्लोएम. हुन आपां क्लास 9th च बैक टू द क्लास 9th चलांगे. जो भी क्लास 9th तो एक स्टेप अहेड होया वो आपां करांगे. ठीक है, हुन अपने कोल है टिश्यू हुंदा की है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू वर्ड का मतलब हुंदा है ग्रुप ऑफ सेल्स, क्योंकि जदों तक सेल्स कंबाइन
कर्म के उदों तक अपने कोल कोई भी ऑर्गेनिज्म है जेड़ा ओ कंप्लीट ही नहीं होगा, ओदे ऑर्गन्स ही नहीं बनेंगे। तो टिश्यू की हो गया, ए टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन, दे विल फॉर्म द टिश्यूज, एंड व्हेन द ग्रुप ऑफ टिश्यूज दे विल कंबाइन दे विल फॉर्म द ऑर्गन। ठीक है बेटे, तो आप सब तो पहले टिश्यूज पढ़ते हैं। टिश्यूज की है, टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल है जिन्हों का ओरिजन कॉमन होए एंड यूजुअली एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करन ओनू आपा टिश्यूज कहने। प्लांट की बॉडी के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजन एंड विल परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू को आप डिवाइड कर लेंगे, वी विल डिवाइड द टिश्यू अंडर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू केड़ा हुंदा बेटे, प्लांट का ओहो पार्ट जो ग्रोथ करदा होए ओनू आपां कहंदे आ मेरिस्टेमेटिक। द सेल्स विच आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग दैट इज कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जेडे सेल्स के अंदर ऑलवेज ग्रो करन दी कैपेबिलिटी होए ओनू आपां कहंदे आ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हुण जेडे सेल्स ग्रो कर चुके हैं उन्हां दा एक परमानेंट फंक्शन बन चुके हैं ओनू आपां कहंदे आ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी कि जो फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होंगे ओनां नू आपां कहंदे आ परमानेंट टिश्यू, जो बनना सीगा वह बन गए। देखो अपने कोल की आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हो गया जेडी प्लांट्स की ग्रोथ है। हुण देखो जो एक सेल डिवाइड हो रहा है, जो जाइगोट है तो उसके हर सेल के अंदर, जाइगोट तो बाद एम्ब्रियो बनया, हर सेल के अंदर पावर है कि वह डिवाइड करूगा। आप कल करके आए सी डाइगोट सीन, उसके हर सेल के अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज सीगा तो उसके हर सेल को पावर सी कि वह डिवाइड कर सकता है, बट जो एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया तो उसकी ग्रोथ जी होंगी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। रिस्ट्रिक्ट मतलब एपेक्स के उपर छोटे छोटे पत्ते प्रेजेंट ने तो एपेक्स से ही ग्रो करूगा, उपर 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 जाऊगा, नीचे वाले पत्ते तो मोटे हो गए बड़े हो गए ओह हुन फर्दर डिवाइड नहीं करनगे। द टिश्यू विच इज रिस्ट्रिक्टेड दैट इज शोइंग द ग्रोथ ऑलवेज इज कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पंजाबी च सुनो, ओह टिश्यू जेड़ा कि प्लांट दे रिस्ट्रिक्टेड पार्ट्स दे उपर प्रेजेंट है बट ओ हमेशा ग्रोथ करन च प्लांट दी हेल्प कर रहा है, ओनू आपा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हो गया दैट इज अपने कोल जो स्पेशलाइज्ड एरिया दे अंदर सेल्स एक्टिव सेल डिवीजन दे अंदर पार्टिसिपेट करते ने ओनू आपा की कहने हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इंटू एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद है नाइन्थ क्लास के अंदर किता सी, एपिकल किथे प्रेजेंट है, अपन ने रूट की स्ट्रक्चर करी, अपन रूट की स्ट्रक्चर च किता टैप रूट सिस्टम ते मैं तुम दस्सिया इत्थे कैप प्रेजेंट है ते इत्थे मेरे कोल एक्टिवली ग्रोइंग रीजन है जेड़ा ओ प्रेजेंट है, यानी कि इत्थे केड़ा टिश्यू प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, रूट टिप ते, ठीक है शूट टिप ते आ जाओ, दिस इज शूट, ए प्लांट है ए दी शूट है, इत्थे पत्ते हमेशा छोटे हुंदे ने। ठीक है, यानी कि इस जगह ते यंग सेल्स प्रेजेंट ने जो कि प्लांट नू उपर 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 ले जान हेल्प कर दे। देखो सुनो, एक प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, जदो वो ग्रो कर रहा है ता ओदी जेड़ी स्टेम है वो पतली सी, हुन ओदे पत्ते सारे दे सारे यंग ने, जदो ओदी स्टेम पतली है ओदे सारे पत्ते यंग ने, जदो वो वड्डा हो गया ता हुन की होगा ओदी स्टेम दे अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, प्लांट ब्रॉड हो गया, हुन उसके बाद ओदे जेड़े उपरले हिस्से दे अंदर जेड़े पत्ते ने वो छोटे छोटे होंगे, पहला इत्थे छोटे सीगे फिर इत्थे छोटे हो गए, ए परमानेंट दे अंदर कन्वर्ट हुंदा गया एंड फाइनली रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना, सिर्फ एपेक्स वाल रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, ओके, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू केड़ा टिश्यू है जो कि
एपेक्स दे ऊपर प्रेजेंट है, चाहे वो शूट दा एपेक्स सीगा, चाहे वो मेरी रूट दा एपेक्स है, उन्हों मैं कहनी हूँ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द टिश्यू विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एपेक्स ऑफ द प्लांट्स, दैट इज द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड टिप्स ऑफ द शूट्स, दैट इज कॉल्ड एज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? हुण आ जाओ बेटे लेटरल, लेटरल टिश्यू केड़ा हुंदा है? आपां पिछे पढ़ के आए सीगे कि जिथों दी एक लीफ ग्रो हुंदा है, लीफ दे बेस दे अंदर एक बड निकलदी है जिन्हों आपां एक्सिलरी बड कहंदे आ। ए एक्सिलरी बड लेटर ऑन किसे भी चीज दे अंदर, शूट दे अंदर, टेंडरल दे अंदर, फ्लावर दे अंदर कन्वर्ट हो सकदी है। यानी कि जो भी चीज दे अंदर ग्रो होण दी पावर है, बट वो ग्रो कदों होगी? जो ओहदा टाइम आऊगा, यानी कि ओहदे अंदर ग्रोथ वाले सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो ताई ग्रोथ करूगी ना, अदरवाइज तो ग्रोथ करूगी ही नहीं। ठीक है? तो दिस इज द एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड की होगी, दैट इज द वी हैव इज द काइंड ऑफ द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है? द एक्सिलरी बड की हो गया कि देखो जो स्टेम दे एपिकल सेल्स अगे वधे, पिछे परमानेंट बन गए, अगे मेरिस्टेमेटिक बन रहे ने, तो पिछे अपने कुछ मतलब पार्ट्स छड़दे जांदे हैं। जिवें देखो मैं एक एग्जांपल देनी हूं, अपने बुजुर्ग सीगे, अपने बुजुर्ग की करदे, उन्होंने कोई देखो आज तो 50 इयर्स बैक लगा लो है ना, मैरिज के अंदर जिन्हें भी ट्रेडिशंस होंगे ने, उस टाइम ते मान लो लाइट नहीं होंगी सी, अगले ने लाइट ना होने करके मोमबत्तियां जगानियां शुरू करती है ना। फिर देखो हुण तां लाइट आ चुकी है, आपां तां हजे भी मोमबत्तियां जगा रहे हैं ना, कि अपने मतलब अपने जिहड़े बुजुर्ग ने उन्होंने कोई ना कोई रीति रिवाज शुरू किए सीगे, ओवें ही ना इहदे इहदे भी जिहड़े सैल्स जो यंग सीगे ना, उन्होंने पिछे कोई सैल्स छड्डते, आप तां अगे चले गए, आप तां अगे चले गए, पिछे कुछ छड्ड गए, इह हुण उन्होंने रिवाज पूरे कर रहे हैं, मतलब उन्हां दी पावर नूं रिटेन करके बैठे है, कि उन्हां च डिवाइड करन दी पावर सीगी, तां असीं भी डिवाइड करन दी पावर नूं लॉक कर रखे है। जरूरत आन ते असीं भी फ्लावर बनावांगे, जरूरत आन ते असीं भी ब्रांच क्रिएट कर दांगे, जरूरत आन ते असीं भी टेंडरल दे अंदर कन्वर्ट हो जांगे, तां दैट इज कॉल्ड एज द एक्सिलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? उस तो बाद आ गया इंटर कैलरी। देखो एक प्लांट है, पहले वो नैरो सीगा, फिर हौली 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 वाइड हुंदा 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 उहदा जिहड़ा स्टेम है पूरा ब्रॉड हो जांदा ना, जिवें बैनियन ट्री लगा लो जिन्हां दे अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हुंदी है, तां उहनां दे कुछ ना कुछ सेल्स ने जिहड़े ओह इस जगह ते वी तां लोकेटेड हुंदे ने, लेटरल साइड्स ते वी तां लोकेटेड हुंदे ने, तां उस टाइप ऑफ टिश्यू नूं अपने कोल आ गया, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ग्रोथ, उहनूं आपां इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह दिंदे आ। ठीक है? इह लेटरल हो गया एक्सिलरी बड, जिहड़ा साइड्स ते रह गया ओह मेरा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि लेटर ऑन प्लांट दी हेल्प करूंगा। क्लियर है बेटा जी? तो अपने कोल की आ गया एपिकल तो बाद अपने कोल आ गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिहड़ा ओह रूट ते शूट दीआं टिप्स च प्रेजेंट है, बट कुछ सेल्स जो उहनां दे लेफ्ट बिहाइंड रह गए इन दी फॉर्म ऑफ एक्सिलरी बड, तां ओह भी मेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इस तो इलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिहड़ा है ओह साइड्स ते भी रह जांदा है, जो कि मैच्योर टिश्यूज दे विच प्रेजेंट है, जदों सेल्स मैच्योर हो चुके ने उहनां दे अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट हुंदे ने, जो कि जरूरत पैन ते प्लांट दी हेल्प कर सकदे है फॉर द ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड एज द इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है बेटा जी? तो ये अपना हो गया प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है? हुन अपने कोल आ जाओ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हो गया, जिहड़ा इंटर कैलरी ते एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, वह प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बट जिहड़ा मेरा इंटर कैलरी एंड एपिकल, दीज बोथ आर माय व्हाट दीज आर द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है? उस तो बाद जिहड़ा मेरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वह की करदा है, वह वुडी एक्सिस बनाने च हेल्प करदा है प्लांट दी, तां इह मेरा की हो गया इस सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो जिन्हें इस ग्रोथ तो लेटर ऑन इस ग्रोथ दे अंदर हेल्प कीती है, तो सेकेंडरी हो गया ना, जिहड़ा अपना ही काम कर रहा है, जदों जिहड़ा काम नूं मिलिया होया सी शुरू तो उही काम परफॉर्म कर रहा है, वह प्राइमरी ग्रोथ है। जिन्हें अपनी ग्रोथ दे नाल नाल कुछ होर भी एडिशन किया, वह सेकेंडरी ग्रोथ है। क्लियर है बेटा? तो अपने को ले आ गया तीन तरह का, वी हैव इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स, एपिकल एक्सिलरी भी लिखा हुआ है बुक्स के अंदर,
एक्सिलरी एंड देन वी हैव इज द इंटर कैलरी. ठीक है बेटे, द नेक्स्ट वी हैव इज द जिहड़ा एक्सिलरी है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटर कैलरी. लेटरल वाला आ है, दिस इज द लेटरल वन, दिस विल बी द इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्लियर. नेक्स्ट है बेटे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बाद अपने को आ जाता है परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू मतलब ओ टिश्यू जो कि जिदे सेल्स एक बार जिन्ने डिफरेंशिएट होने सीगे ओ हो गए, हुन ओ होर डिफरेंशिएट नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू. क्लियर है बेटे. ओके, ता परमानेंट टिश्यू भी दो तरह का है. परमानेंट टिश्यू कहते हैं कि मैं तो वही मेरी मर्जी आऊगी तो थोड़ी बहुत ग्रोथ कर भी सकता, ए मेरे ते रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल भी ग्रो नहीं करूंगा. तो उन्हें भी अपने आप नो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लिया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू इज व्हाट? परमानेंट टिश्यू ओ टिश्यू है बेटे जिदे अंदर जदो अपने को डिवीजन हो गया सेल्स दिया, ते सेल्स ने जेड़े उन्होंने अंदर एक फंक्शनल एबिलिटी आ गई. देखो शुरुआत कितों की हुई सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने अपने आप नो डिवाइड करना शुरू किया, करी गया उन्हें अपने आप नो रिस्ट्रिक्ट कर लिया. जेड़े उहदे सेल्स पिछे आ गए जिन्हों का एक पक्का फंक्शन क्रिएट हो गया भी मैं तो यही फंक्शन परफॉर्म करूंगा, मैं होर फंक्शन नहीं परफॉर्म करूंगा. मेरिस्टेमेटिक ने भी अपने आप नू लोकेट कर लिया कि मैं टिप्स ते हाँ या मैं लेटरल साइड्स ते हाँ या मैं एक्सिलरी बड दे अंदर प्रेजेंट हाँ, बाकी सारा जो पिछे बना था उन्हें दैट इज कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू है जेड़ा जिदे को एक प्रॉपर फंक्शन है कि मैं यही फंक्शन परफॉर्म करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू. व्हेन द सेल्स विल अटेन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द परमानेंट टिश्यू. इट इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू, वापस आ जाओ क्लास नाइन्थ थे. सिंपल परमानेंट टिश्यू की कहते हैं मेरे अंदर इको ही तरह के सेल्स होंगे. व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ द सेल्स विल कॉन्स्टिट्यूट द टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल परमानेंट टिश्यू. भी असी है तो परमानेंट हाँ, असी अपना ही फंक्शन परफॉर्म करांगे, बट साडे अंदर असी होर किसी सेल नू अलाउ नहीं करांगे. व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ द सेल विल कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू that will be known as the simple permanent tissue. Clear hai? When more than one type of the cells are there, then that tissue is known as the complex tissue. Yaad hai? Class 9 se kitta si xylem and phloem. Xylem de andar tusi padh ke aaye sige vessels, tracheids, phir xylem parenchyma. ठीक है, पढ़ के आए हो ना, तो अपने को कई तरह के सेल्स हो गए ना ये अंदर. ओवें फलोयम च भी तुसी पढ़ के आए सीगे कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब सेल, फलोयम पैरेन्काइमा. ठीक है, अपा सेल्स उत्थे भी पढ़ के आए हैं. ठीक है, तो दैट इज जो मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स विल कॉन्स्टिट्यूट अ परमानेंट फंक्शन इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ द सेल्स विल perform the function in the body of the plant, that will be known as the simple tissue. ठीक है बेटे, okay. The simple tissue नो अपा further divide कितने तरह से करते सीगे? Parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. याद आ गया? Parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा के अंदर बेटे अब वी विल मूव फ्रॉम द बुक, पहले मेरी मेरिया डेफिनेशन सुन लो, देन आई विल कंप्लीट फ्रॉम दैट. ठीक है, पेरेन्काइमा के अंदर जो लिविंग सेल्स होन वो थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी भी रखन कि असि डिवाइड भी हो सकते हैं. लिविंग सेल्स है जिन्हों की वॉल बिल्कुल पतली है. ठीक है, उस तरह के सेल्स जो कि राउंड इन शेप ने बट उन्होंने अंदर थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेस है जी. दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस, दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस.
इंटरसेलुलर स्पेसेस होन, ठीक है, पर उन्हां दी वॉल बिल्कुल पतली होए, उन्हूं आपां कहने आ पेरेनकाइमेटस टिश्यू। प्लांट्स दे अंदर जनरली जनरली जिथे भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट ने ते ओहो अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो उहदे कोल ज्यादातर पार्ट अपने कोल पेरेनकाइमेटस टिश्यू दा प्रेजेंट हुंदा है। क्लियर है बेटा? द पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा पढ़न तो पहले अपनी बुक की कहती है अबाउट द सिंपल एंड परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज ओ टिश्यूज हुंदे ने जेडे की जनरली फर्दर डिवाइड नहीं करनगे। परमानेंट टिश्यूज दो तरह दे ने, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज ओ हुंदे ने जिदे अंदर ऑलमोस्ट सारे सेल्स सिमिलर इन फंक्शन एंड सिमिलर इन शेप होंगे। कॉम्प्लेक्स की है जिदे अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स अरेंज होके टिश्यू फॉर्म करनगे। सिंपल टिश्यू तीन तरह दे अंदर डिवाइडेड है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा दे अंदर जिहड़े सेल्स ने ओ जनरली स्फेरिकल ओवल राउंड शेप दे अंदर होंगे, वॉल्स थिन होंगियां, सेल वॉल सेलुलोज दी बनी हुई है, क्लोजली पैक्ड ने। ए प्लांट दे अंदर फोटोसिंथेसिस स्टोरेज एंड सिक्रीशन दा फंक्शन परफॉर्म करदे ने। जिन्ने भी तुहाडे लीव्स ने, मतलब देखो जिहड़ा प्लांट दा हार्ड पार्ट नहीं हैगा, लीफ मुड़ जांदा है ना आराम नाल, आपां फोल्ड कर सकदे आ ना। रूट है जिहड़ी, रूट दे अंदर पेरेनकाइमा बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, रूट इजीली मुड़ जांदी है ना, मुड़ जांदी है ना रूट, तो दैट इज जिहड़े सॉफ्ट पार्ट्स ने लिविंग मतलब सेल दे अंदर जान होए, जिहड़े सेल दे अंदर जिन्ना सेल पतला होगा उन्नी सेल दे अंदर ज्यादा लिविंग स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो यह सेल जिन्हां दे अंदर ओवल पॉलीगोनल या डायगोनल राउंड शेप होए ओदे अंदर नाल नाल क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होए, जो कि फोटोसिंथेसिस स्टोरेज एंड सिक्रीशंस दा प्लांट दी बॉडी दे अंदर काम करे, ओनू आपां कहने आ पेरेनकाइमेटस टिश्यू। क्लियर है बेटे? पेरेनकाइमा। हुण आ जाओ सेकंड कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा है जिहड़ा, इह अपना की करदा है बेटे, इस सेल दे अंदर जनरली अपने कोल की है, इह डाइकॉट प्लांट्स दे अंदर प्रेजेंट है। इह इना दे अंदर, ए मेरा सेल है, दिस इज इना दे अंदर पहली गल तां सेलुलर स्पेसेस नहीं होंदियां, दिस इज माई सेकंड सेल, कोई सेलुलर स्पेस नहीं हैगी। दिस इज माई थर्ड सेल, इहदे अंदर कोई सेलुलर स्पेस नहीं हैगी, सेल पूरी तरह टाइटली पैक्ड ने। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट नू, स्टेम दे अंदर प्रेजेंट है भई हां जी तेनू सपोर्ट दवांगे असीं, तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। क्यों? क्योंकि इना दे अंदर वॉल थिकनिंग्स ने जिहड़ियां, इना दी वॉल दे अंदर स्पेशल टाइप ऑफ थिकनिंग्स ने जिहड़ियां ओ प्रेजेंट हुंदियां ने, जिहड़ियां कि सेल नू एक स्ट्रोंग सेल बनाउण दे अंदर हेल्प करदियां ने। तां सेल दे अंदर सेकेंडरी वॉल थिकनिंग्स ने जिहड़ियां ओ प्रेजेंट ने। कोलेनकाइमा की है बेटे, सेकंड वी हैव इज द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा प्लांट्स दे अंदर किथे प्रेजेंट है, जदों आपां प्लांट दे स्ट्रक्चर करांगे मैं उदों दसूंगी। इहदे अंदर सेलुलोज हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन दी थिकनिंग है जिहड़ी है प्रेजेंट है। इहदे सेल्स पॉलीगोनल इन शेप हो सकदे ने, इह फूड दी एसिमिलेशन दे अंदर हेल्प करदे ने, एंड इहनां दा मेन फंक्शन की है, इह यंग स्टेम नूं एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते। इन्हों का मेन बेसिक फंक्शन इज टू सपोर्ट द स्टेम ऑफ द प्लांट। जेडी पिटियोल दे उपर लीफ खड़ा है ओ वी कोलेनकाइमा दी बनी हुई हुंदी है। क्लियर है बेटा जी? द कोलेनकाइमा द मेन वर्क की हो गया, इन्हों का मेन वर्क हुंदा है टू सपोर्ट द प्लांट, प्लांट नू सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ स्क्लेरेनकाइमा। द थर्ड कैटेगरी ऑफ द टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू अंडर द सिंपल परमानेंट टिश्यू। जिहड़ा स्क्लेरेनकाइमा है ना बेटे, ए दो तरह दे अंदर डिवाइडेड है, ए फाइबर्स एंड सेकंड हुंदा है स्क्लेरीन। इट इज डिवाइडेड इनटू फाइबर एंड स्क्लेरीन्स। फाइबर इज दिस टाइप, इना दे अंदर पिट्स प्रेजेंट, वॉल दे अंदर थिकनिंग है, दिस इज अ वॉल थिकनिंग मेड अप ऑफ अगेन लिगनिन,
दिस इज वॉल थिकनिंग, वॉल थिकनिंग के नाल-नाल इहदे अंदर पिट्स प्रेजेंट हुंदे ने, खड्डे प्रेजेंट हुंदे, सेकलेरी फाइबर। सेकलेरी की है, गोल गोल है, इहदे अंदर भी वॉल थिकनिंग है, इहदे अंदर भी पिट्स ने जेहड़े ओह प्रेजेंट हुंदे ने, दे हैव ऑल्सो द पिट्स लाइक दिस। ए जिहड़ियां फाइबर्स ने आपां जनरली देखदे आ ना नारियल दी जिहड़ियां रस्सियां हुंदियां ने, या जूट हो गया, हैम्प हो गया, रस्सियां जिहड़ियां बनदियां ने, दे आर मेड अप ऑफ सेकलेरी। ए बहुत हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करदे आ प्लांट, ठीक है। जिहड़ी सेकलेरीज ने ए जदों आपां फ्रूट्स खाने आ तां अपने माउथ दे नीचे जनरली जिवें तुहाडा हो गया पीयर हुंदा, पीयर दे नीचे छोटे छोटे दाने आंदे तुहाडे फ्रूट दे नीचे, एप्पल खाण नाल नहीं आंदे, पीयर खाण नाल आंदे आ, या होर भी कुछ फ्रूट्स हुंदे ने जिन्हां नूं खाण नाल माउथ दे नीचे तुसीं देखो दाने दाने वाली फीलिंग आंदी है, तां ओह दाने दाने ने जिहड़े ओह सेकलेरीज हुंदे ने, हार्ट बनाउण च हैल्प करदे आ, ठीक है। तां दे प्रोवाइड अस द हार्डनेस। द सेकलेरेन्काइमा लोंग एंड नैरो सेल्स हुंदे ने जिन्हां दे अंदर लिग्निन दी डिपोजिशन हुंदी है, दो तरह दे ए पार्ट्स दे अंदर डिवाइडेड है, फाइबर्स एंड सेकलेरीज। फाइबर्स लोंग इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स हुंदे ने, जबकि सेकलेरीज ने जिहड़े ओह स्फेरिकल ओवल या सिलेंड्रिकल सेल्स हुंदे ने। इह काम की करदे ने, इह अपने कोल हां चीकू सेपोटा, चीकू दे अंदर भी देखो तुसीं खाने तो दाने दाने आंदे, तो दैट इज ऑल्सो द सेकलेरी। प्लांट्स नूं बहुत हाई सपोर्ट है जिहड़ी ओह प्रोवाइड करदे ने, मकैनिकल सपोर्ट जिहनूं आपां कहिंदे आ ओह दिंदे है। एंड जिहड़े वॉल्स ऑफ नट्स ने, जिवें तुहाडे अपने आह अखरोट है, अखरोट दा छिलका है जिहड़ा बाहरों दी हार्ड कोट हुंदा है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा। जिन्नी मैक्सिमम हार्डनेस हुंदी है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द स्क्लेरेन्काइमा। हुण देखो अपनी स्टेम है जिहड़ी ओह किन्नी स्ट्रोंग है, द स्टेम दे अंदर स्क्लेरेन्काइमेटस है जिहड़ा ओह प्रेजेंट होऊगा, क्लियर है। रूट दे अंदर नहीं प्रेजेंट होगा, रूट स्टिफ नहीं हैगी ना, रूट नूं तुसीं जदों कढोगे तां देखो किन्नी सॉफ्ट जी हुंदी है, तां रूट दे अंदर जनरली पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट हुंदा है, ठीक है। रूट दे अंदर जनरली पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट हुंदा है, जिथे हार्डनेस आनी शुरू होगी उत्थे कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है जिहड़ा ओह प्रेजेंट हुंदा है। अपने नट्स जिहड़े बदाम दे उपर वाला छिलका है, अपने अखरोट दे उपर वाला जिहड़ा छिलका है, हार्ड कोट्स ने जिहड़े उहनां दी फॉर्मेशन दे अंदर सेकलेरीज ने जिहड़े ओह हैल्प करदे ने। एज वेल एज मैं हुणे तुहानूं दस्सिया कई फ्रूट्स दे अंदर तां इह दाने दाने भी फॉर्म करदे है, चीकू दे अंदर, पीयर दे अंदर इह दाने दाने फॉर्म करदे है, ठीक है। दैट इज गुआवा दे अंदर भी है, पल्प ऑफ द फ्रूट्स लाइक गुआवा, पीयर एंड सपोटा, सपोटा कहिंदे आ बेटे चीकू नूं कहिंदे आ सपोटा, तां उहनां दे अंदर जिहड़े ने सेकलेरीज ने जिहड़े ओह दाने दाने फॉर्म करन च हैल्प करदे ने। नेक्स्ट आ जाओ बेटे टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वी आर कमिंग टुवर्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दोबारा डेफिनेशन सुनो, कॉम्प्लेक्स ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਬਾਡੀ ਆਫ ਏ ਪਲਾਂਟ, ਦੈਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਇਸ ਕਾਲਡ ਐਸ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੈਕਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਈਬਰਸ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, ਫਲੋਇਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ। ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨ ਟੂ ਜ਼ਾਈਲਮ ਐਂਡ ਫਲੋਇਮ ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਡਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂਜ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਫਲੋਇਮ helps in the transfer of the food from the upside of the plant to the lower side and to the upsides also. Jada phloem hai hamesha bidirectional movement show karda hai, e upar bhi ja sakda hai niche bhi ja sakda hai, bidirectional movement matlab e source to ik patti ne food banaya, this is the source of the food, e source to hamesha sink wal janda hai, sink matlab jithe bhi zarurat hai it will move from there to there, but jada xylem hai it is only unidirectional, it shows always only one directional movement, kyunki e root to ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਏਰੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਉਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ,
तो अपने को जाइलम है जिड़ा दैट शोज द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द वॉटर इन टू द बॉडी ऑफ द प्लांट. द वॉटर की कंडक्शन के अंदर कौन हेल्प करता है? जाइलम हेल्प करता है. फूड की कंडक्शन के अंदर कौन हेल्प करता है? फ्लोएम हेल्प करता है. ठीक है, तो हम आज बेटे जिहड़ा जाइलम है ये फोर टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर फोर टाइप्स ऑफ सेल्स ने जिहड़े ओना मिलके इनू बनांदे ने. वी हैव ट्रकीट्स वेसल्स फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा. जाइलम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स ऑफ द सेल्स वेसल्स दैट इज जाइलम वेसल. जाइलम एक्स लिख रही हूं मैं. ठीक है, जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल तो बाद सेकंड की हो गया. वी हैव इज द ट्रकीट्स या सीधा ही वेसल्स लिख रहे हैं. दीज आर ट्रकीट्स. उस तो बाद है जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. तुसी क्लास नाइन्थ के अंदर जो जाइलम पढ़िया सी तुसी जाइलम के अंदर एक ते फ्लोएम के अंदर डिफरेंसेस करते सीगे. ਉਦੋਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਾਇਲਮ ਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਡੈਡ ਟਿਸ਼ੂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਫਲੋਇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਪੈਰੇਨਕਾਇਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਰਮ ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਪੈਰੇਨਕਾਇਮਾ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਵਾਲ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿੰਨੀ ਵਾਲ ਪਤਲੀ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਟਿਸ਼ੂ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੈਸਲਸ ਤੇ ਟ੍ਰਕੀਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਟਿਊਬਸ ਨੇ. ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪਾਈਪਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ. ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਈਪ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਸਰੀ ਪਾਈਪ, ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਥੀ ਪਾਈਪ. ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਕੀਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਲੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਪਿਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਟਰ ਉੱਪਰ 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 ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੀਚੋ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਫਾਈਬਰਸ ਤੇ ਪੈਰੇਨਕਾਇਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਮੇਨ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸਲਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਕੀਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੇਨ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸਲਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਕੀਟਸ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਪਿਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਕੀਟਸ ਕਹਿੰਦੇ. ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਥਿਨ ਪਾਈਪਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ. ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਟ੍ਰਕੀਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰੇਨਕਾਇਮੈਟਸ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਓਵਲ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਪੈਰੇਨਕਾਇਮੈਟਸ ਸੈਲਸ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ. ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਇਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਟਰ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਚਾਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਟ੍ਰਕੀਟਸ, ਵੈਸਲ, ਜ਼ਾਇਲਮ ਫਾਈਬਰ, ਜ਼ਾਇਲਮ ਪੈਰੇਨਕਾਇਮਾ. ਜਿਹੜੇ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਕੀਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਨ ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਟਿਊਬਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਕੀਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਤੇ ਟਿਊਬਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਕੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਵੈਸਲਸ ਸਿਲਿੰਡਰੀਕਲ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਗਨੀਫਾਈਡ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੈਂਥ ਲਗਾਈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡੈਡ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਡੈਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ. ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ. ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਲੀਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ 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 ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਾਈਬਰਸ. ਫਾਈਬਰਸ ਕੀ ਨੇ?
लॉन्ग थिक एंड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स ने जो कि सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं एंड पेरेन्काइमा ए फूड की स्टोरेज के अंदर हेल्प करता है एज वेल एज इनू सपोर्ट प्रोवाइड करता है जाइलम नु। क्लियर है बेटे? ओके हुन जो थोड़िया एक अपने को आंदा है मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम एंड डार्क एग्जार्क ए तुसी नाइन च नहीं पढ़ के आए ए मैं हुन थोनू वैसे तो मैं जो अपन टिशू रूट की डायग्राम करते मैं थोनू उदो करवाना चाहनी हाँ बट फिर भी मैं थोड़ा जहा इतने भी दस दिनी हाँ क्योंकि मैं पता आप एक्साइटमेंट हो जाती है जो बुक के अंदर कोई नवा वर्ड आ जाता है ना। ता मेरे को बेटे जो जाइलम की ग्रोथ होंगी है ना ठीक है ता मेरे को कुछ सेल्स पिछे होंगे ब्रॉड प्रोटो ठीक है विच हैव द जिन्होंने स्टार्टिंग च कैपेबिलिटी रखी कि असि डिवाइड 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 करांगे दीज आर द सेल्स ऑफ प्रोटोजाइलम ठीक है जिम्मे जिम्मे ए टूवर्ड द एंड आंदे है ठीक है दिस दिस दे विल बिकम द मेटाजाइलम ठीक है प्रोटो एंड मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम हो गया जो कि फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम है उन्हों मैं प्रोटोजाइलम कहूंगी उस तो लेटर ऑन जिम्मे जिम्मे सीक्वेंस के अंदर सेल्स बनते जाएंगे उन्हों मैं मेटाजाइलम कहूंगी तुसी हुन आपां जदों रूट ते स्टेम दी स्ट्रक्चर करांगे आपां इन्हां दीआं पोजीशंस पढ़ांगे रूट दे अंदर इहदी पोजीशन डिफरेंट हुंदी है स्टेम दे अंदर इहदी पोजीशन डिफरेंट है क्योंकि रूट डरदी नहीं हैगी रूट नूं कोई डर नहीं हैगा कि मैं अपने पुराने सेल्स या नवे सेल्स नूं बचाना है वो तो अंडरग्राउंड है अगर कोई बकरी खान आई है तो रूट थोड़ी अंदर कंबना शुरू हो जाती है कि मैनू बकरी खा रही है स्टेम नूं डर हुंदा है कि मेरे पत्ते खा जूगी मैनू पट दूगी है ना तो इन्हां दी पोजीशन रूट ते स्टेम दे अंदर डिफरेंट डिफरेंट हुंदी है द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल्स ऑफ द जाइलम आर कॉल्ड एज द प्रोटोजाइलम एंड देन जिहड़े लेटर ऑन बनते ने उन्हां नूं आपां कहिंदे आ मेटाजाइलम ठीक है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्म्ड जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द मेटाजाइलम ठीक है जिदे अंदर अपने को प्रोटोजाइलम अंदर वाली तरफ होए प्रोटोजाइलम अंदर वाली तरफ होए उस कंडीशन नु आपा कहने आ एंड आर When the protoxylem will be toward the inner side, that condition is called as end arc. जदों ए वाली condition होए कि protoxylem बाहर ही present है, तो उन्हों आपा कहने हैं ex arc condition. End arc condition and ex arc condition one one mark दे अंदर थोनों पूछा जा सकता है. Clear है बेटे? फ्लोएम अपन नेक्स्ट क्लास च करते हैं ठीक है क्योंकि आई थिंक सो थोड़ी क्लास का टाइम हो गया।